प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 6 का नादान दोस्त, ये आपका पार्ट है, कक्षा 6 में पार्ट 3 हिंदी में, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। इससे पहले आपको 2 पार्ट करवाए जा चुके हैं और आपने उसका वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। अगर थोड़ा बहुत बाकी है तो आप उसको कंप्लीट कर लें, है ना। तो नादान दोस्त जो है वो मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है, और मुंशी प्रेमचंद कहानी और भारत में जो हिंदी साहित्य में जो कहानी विधा है, उपन्यास विधा है, उसके सबसे अच्छे लेखकों में आते हैं। तो ये पार्ट जो है एक छोटे बच्चों पर ही आधारित है, तो आप इसको ध्यान से समझें कि केशव का घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो केशव नाम का एक बच्चा है, उसके घर पे कार्निस यानी कि जो खिड़कियों के ऊपर जो एक छज्जा सा लगा हुआ होता है, उस पर जो है चिड़ियों ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन जो है श्यामा, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। मतलब चिड़िया वहाँ आती जाती थी और सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। तो वो रोज़ देखते कि अंडे दिए हुए थे, बच्चों में उत्सुकता होती है कि देखे क्या है, उनके बच्चे कैसे हैं, है ना। तो जो है उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता, यानी उनको बहुत अच्छा लगता था। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती, सुबह सुबह उनको खाने में दूध और जलेबी मिलती थी तो उनको अच्छी लगती थी, लेकिन जब से वो अंडे उन्होंने देखे थे कार्निस के ऊपर, तब से वो जो है दूध जलेबी भी छोड़ देते थे और वो उसी का ही ध्यान रखते थे, है ना। दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते, है ना, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, मतलब बच्चों के जो पंख हैं वो कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, ना अम्मी और ना घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। मतलब उनके मन में जो भी विचार आते थे लेकिन उनका जवाब नहीं मिलता था उनको, क्योंकि वो खुद ही जो है ना खुद ही आपस में एक दूसरे को बता देते थे कि भाई हो सकता है इस तरह के होंगे, हो सकता है, अपने हिसाब से ही। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फिर से उड़ जाएंगे? तो श्यामा पूछती अपने भाई से कि क्या बच्चे निकलते ही उड़ जाएंगे? तो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। यानी जब बच्चे पैदा होंगे तो पहले उनके पर निकलेंगे और उस परों के बाद में फिर वो उड़ेंगे। फिर श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, श्यामा कहती बच्चों को क्या खिलाएगी, मतलब चिड़िया, है ना। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। तो केशव को है ना इसका पता नहीं चलता था कि यार ये बच्चे क्या खा सकते हैं, छोटे बच्चे, है ना। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी, अंडों को देखने के लिए भी अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, यानी बच्चे क्या खाएंगे, है ना, वो छोटे बच्चे क्या खाएंगे, ये चीज़ उनको बहुत चिंतित कर रही थी कि यार उन बच्चों के कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे। ये देखो, ये चिड़िया है और ये चिड़ा है और ये उसके अंडे हैं, ठीक है ना। तो चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। तो उनको बड़ी चिंता हो गई कि ये बेचारे गरीब बच्चे हो, इनके खाने की व्यवस्था कैसे होगी, क्या इतना खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा सोच करके वो बड़े ही चिंतित रहने लगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। तो श्यामा को बड़ी खुशी हुई, उसने सोचा कि अगर अपन ही दाना रख देंगे तो चिड़िया कहीं नहीं जाएगी। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी। और केशव ने भी अपने दिमाग से कहा कि हाँ, अगर अपन इनको खाने की व्यवस्था कर देते हैं तो फिर इनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। फिर श्यामा को चिंता हुई कि बच्चे इतनी धूप में, वो कार्निस के ऊपर है,
है ना। ये देखो कांडिस बताते हैं आपको, है ना। ये देखिए ये ये है केशव और ये है उसकी बहन, है ना। और ये कार्निस के ऊपर अंडे रखे हुए हैं। ये कार्निस जो है वो खिड़की के ऊपर का छज्जा जो होता है उसको कार्निस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ अभी आएगा कहानी में आगे। तो जो है तो केशव जो है कि नहीं जाएंगे, श्यामा बच्चों को धूप तो नहीं लगती होगी, तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की ओर तरफ ना गया था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। यानी अब उनको ये भी चिंता होने लग गई कि इतनी धूप में प्यास भी लगती होगी उनको। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब उन्होंने दिमाग लगा लिया कि अपन इस घोंसले के ऊपर छत बना देंगे एक तो, ताकि इनको धूप नहीं लगे, एक पानी की प्याली रख देंगे और चावल के दाने रख देंगे ताकि इनकी दिक्कत नहीं हो, है ना। अब आगे देखें तो आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देंगे, हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके में से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने इस मुश्किल को भी हल कर दिया। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने की टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा वह भी बीच से फटी हुई है, उससे धूप न जाएगी। केशव झुंझला कर कहाँ, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने का कोई कोई हिकमत निकालूंगा, मतलब कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे कि उसका वो सुराख बंद हो जाएगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसे सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। मतलब कि उन्होंने अपने हिसाब से दिमाग लगा लिया पूरा, है ना। और श्यामा ने दिल में सोचा भैया कितने चालाक हैं, यानी भैया कितने होशियार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया। अब ये लोग कर रहे हैं ये सारा काम, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और इसको आप अपने जो बुक है उसमें आप खुद इसको पढ़ें पहले, यहाँ तक, है ना, इस जगह तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, इसको आपको पढ़ना है खुद को। फिर कल जो वीडियो आएगा उसमें अपन इसके आगे वाले जो दो पार्ट हैं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।